दोस्तों, क्या आप एक्सेल में वीलुकअप फॉर्मूले में एन एरर से परेशान हैं? तो दोस्तों, आज का वीडियो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ पर कि हमारा आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको नहीं पता है एक्सेल में वीलुकअप फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, वीलुकअप फॉर्मूला किस तरह से काम करता है और ऑफिस में वीलुकअप फॉर्मूले का क्या यूज है, तो ऊपर आई बटन पर हमने वीलुकअप फॉर्मूलेस वीडियो के लिंक दिए हैं। आप वहां से जाकर वीलुकअप फॉर्मूले के वीडियोस देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी हमने वीलुकअप फॉर्मूलेस के लिंक दिए हैं, आप वहाँ से जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर आज हमें सीखना क्या है, सबसे मेन टॉपिक हमारा क्या है, वीलुकअप फॉर्मूले से एन एरर हटाना। मतलब वीलुकअप फॉर्मूला तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वीलुकअप फॉर्मूला क्या होता है, वीलुकअप फॉर्मूला ऑटो अपडेट कैसे करते हैं, ये सारे टॉपिक तो हमको पहले भी बता चुके हैं। आज हमें क्या सीखना है कि हम उससे एन एरर कैसे हटा सकते हैं। दोस्तों, ऑफिस वगैरह में बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब किसी डेटा में वीलुकअप फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ पर हमें एन एरर शो होती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है कि एन एरर आती क्यों, कि एन एरर आने का यहाँ पर रीजन क्या है। सबसे पहले हमें यही जानना है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं डेटाबेस हमने बनाया। दोस्तों, एक छोटा सा डेटाबेस हमारा यहाँ पर है, जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, नाम है और अकाउंट नंबर है। डेटाबेस हमने छोटा ही रखा है ताकि आप यहाँ पर आसानी से समझा सके कि वहाँ पर एन एरर आती क्यों है और उसका रीजन क्या है और उसको हम सही कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डेटाबेस है जहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी है यहाँ पर, और यहाँ पर एम्प्लॉय के नाम है और यहाँ पर अकाउंट नंबर। और यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने वीलुकअप फॉर्मूला लगाया। अब वीलुकअप फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आईडी के हिसाब से फाइंड करता है। हमने यहाँ पे क्या लगाया, जो भी हम आईडी लिखें उसके हिसाब से वीलुकअप फॉर्मूला हमें यहाँ पर वैल्यू शो कर दे। जैसे यहाँ पर नाम है तो यहाँ पर नाम आ जाए, यहाँ पर अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर आ जाए। अब जैसे यहाँ पर हम एक आईडी लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है 15,445। अब सेम आईडी हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, तो आप देखें जहां पर 15,445 में कौन सा नाम था, राहुल, तो राहुल यहाँ पे आ गया। राहुल का जो अकाउंट नंबर था वो अकाउंट नंबर हमारा यहाँ पर आ गया। पर कभी कभार क्या होता है कि जो आईडी हम एंटर करते हैं वो हमारे इस डेटाबेस में हो ही ना। मतलब बहुत बार ऐसा होता है किसी ने आपसे बोला आप इस आईडी का रिकॉर्ड, इसका रिकॉर्ड क्या है, तो हमने वो आईडी एंटर किया तो वहाँ पे एरर आ रहा है। हम चाहते हैं जब वो आईडी हम एंटर करें जो हमारे डेटाबेस में ना हो, वहाँ पर नोट फाउंड लिखा हुआ आ जाए, या जो भी मैसेज हम देना चाहें वो मैसेज हमारा शो करे, वहाँ पर एरर ना आए। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें जो हमारा डेटाबेस से 15,445 से स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट है 15,445, कहाँ तक का डेटाबेस है 15,454 का। अब मान लीजिए कोई ऐसा डेटाबेस यहाँ पर आईडी हम एंटर करें जो हमारे इस डेटाबेस में हो ही ना, मतलब हमारे इस डेटाबेस में वो आईडी हो ही ना। जैसे यहाँ पर हमने एंटर कर दिया 15,455, कितना 15,455, 56, 57, मतलब कोई भी ऐसा डेटाबेस जहाँ इससे ज़्यादा का हो या इससे कम का, जो हमारे इस आईडी से मैच नहीं होगा, तो वहाँ पर एरर आ जाती। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर हमने लिखा 15,455, तो आप देखें यहाँ पर क्या शो कर रहा, एरर शो कर रहा। यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा कि यहाँ पर एन एरर आ गई, अकाउंट नंबर में आए तो यहाँ पर भी एरर आ गई। अब इस एरर आने का रीजन क्या है, वो रीजन आपको समझ में आया होगा। मतलब कोई ऐसा डेटा जो हमारे डेटाबेस में नहीं है और वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया, तो हमें क्या शो करता है, एन एरर यहाँ पर शो करता है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें, यहाँ पर हमने सेम ऐसा ही लिखा है 15,455, सेम हमारा यहाँ पर भी था, जैसे ऊपर हमने एंटर किया था सेम हमारा यहाँ पर भी। पर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर आप देखें क्या शो कर रहा है, एक मैसेज हमें शो कर रहा है कि इस आईडी का कोई एम्प्लॉय नहीं, मतलब जो आईडी आपने एंटर किया है उस आईडी का यहाँ पर कोई एम्प्लॉय नहीं। और दूसरा मैसेज हमने यहाँ पे क्या दिया, जब एम्प्लॉय ही नहीं तो अकाउंट नंबर कैसे होगा, मतलब जब आईडी का अकाउंट एम्प्लॉय ही नहीं है तो यहाँ पर अकाउंट नंबर कैसे होगा। यहाँ पर कोई भी मैसेज आप देना चाहें, ये मैसेज हमने थोड़ा यहाँ पर फनी रखा है, तो यहाँ पर आप जो भी मैसेज आप देना चाहें वो मैसेज आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हमने लिखा इस आईडी का कोई एम्प्लॉय नहीं, जब एम्प्लॉय नहीं तो अकाउंट नंबर कैसा हो, आप चाहें तो यहाँ पर नॉट फाउंड दे सकते हैं, इनवैलिड दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जो भी मैसेज आप देना चाहें वो मैसेज आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमें यही सीखना है कि यहाँ पर वीलुकअप फॉर्मूले से हम एन एरर कैसे हटाते हैं। तो पहले हम यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ पर पहले हम लगाते हैं यहाँ पर वीलुकअप फॉर्मूला। यहाँ पर वीलुकअप फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल साइन, आपको क्या लिखना है, वीलुकअप डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर आ गया वीलुकअप फॉर्मूला हमारा। सबसे पहले हमें क्या देना है, लुकअप वैल्यू, तो हमें एम्प्लॉय आईडी ये सेलेक्ट कर लेना है।
कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, टेबल एरे। टेबल एरे में हमें क्या सेलेक्ट करना रहता है, होल डेटाबेस, जो ये डेटा है हमारे पूरा डेटा हमें यहाँ से सेलेक्ट करना रहता है। तो हम यहाँ से आते हैं, पूरा डेटा हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो ये पूरा डेटाबेस है हमारा, कहाँ से एम्प्लॉय आईडी से लेकर यहाँ तक पूरा डेटाबेस हमें सेलेक्ट कर लेना है। फिर कॉमा लगाने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा कौन सा है, आईडी वाला हमारा 1 था, नाम वाला यहाँ पर कौन सा है, 2। और आप यहाँ पर भी देखें आईडी, ये कॉलम नंबर 1, और नाम वाला हमारा कौन सा है, यहाँ पर कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कॉलम नंबर 2 लिख देना है। अब फिर यहाँ पर कॉमा लगाना है, और चेक मैच के लिए हमें यहाँ पे क्या टाइप करना है, 0 टाइप करना है, ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर कर देना है। तो अभी देखें यहाँ पर एन एर आर आ रही, सेम काम हमें यहाँ पर भी करना है, वी लुकअप। और यहाँ पर लुकअप वैल्यू में हमें क्या करना है, सेम इसको कॉमा, टेबल एरे में हमें क्या करना है, पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पूरी टेबल आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, 3, फिर कॉमा यहाँ पर 0, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप देखें यहाँ पर वीलुकअप फॉर्मूला तो हमारा लग गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये एरर हटाना है। एरर हटाने के लिए यहाँ पर हमें इसी फॉर्मूले पे डबल क्लिक करना है, या आप F2 बटन प्रेस कर दें, यहाँ पर आना है और यहाँ पर एक ब्रैकेट आपको और लगाना, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इफ एरर। दोस्तों ये फॉर्मूला हमने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको नहीं पता एक्सेल में इफ एरर फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, तो पढ़ाई बटन पे इफ एरर फॉर्मूले का लिंक है, आप वहां से जाकर इफ एरर फॉर्मूला देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, सबसे पहला काम यहाँ पे क्या था, वैल्यू देना था। तो वैल्यू में हमने यहाँ पे क्या दे दिया, ये पूरा फॉर्मूला हमने यहाँ पर दे दिया। फिर कॉमा, कॉमा के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हमने लगा दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें लिखना है नॉट फाउंड, कि अगर इस आईडी का मतलब कोई ऐसी आईडी एंटर हो जो हमारे डेटाबेस में ना हो, तो यहाँ पर नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाए, तो हमें यहाँ पर नॉट फाउंड लिख देते हैं। फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, सही। तो यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया और ब्रैकेट यहाँ पे बंद किया। ये पूरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक बार फिर से आप देख लें, यहाँ पर इफ एरर, वी लुकअप, पूरा वी लुकअप फॉर्मूला जैसे आप लगाते हैं सेम है, उसी तरह लगाना है। कॉमा, जो भी टेक्स्ट मैसेज आपको देना होगा वो आप यहाँ पर नॉट फाउंड लिखना हो, या आप इस तरह का कोई मैसेज देना चाहें तो इस तरह का मैसेज भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैसेज नहीं देना है तो आप इन्वर्टेड कॉमा भी यहाँ पर रख सकते हैं, तो वहाँ पर सेल ब्लैंक आएगी, एंटर कर दें तो आप देखें यहाँ पर नॉट फाउंड आ जाता है। सेम काम हमें यहाँ पर भी करना है, ब्रैकेट लगाना है, इफ एरर, वैल्यू में हमने यहाँ पर भी फॉर्मूला दे ही दिया जैसे हमने वहां पे दिया था, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नॉट फाउंड हमें लिखना है, तो हम नॉट फाउंड यहाँ पर लिख देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखा, जैसे हमने नीचे लिखा था वैसा लिखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा वीडियो हमारा थोड़ा और लंबा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश में हमने जल्दी से यहाँ पर लिख दिया नॉट फाउंड। आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप मैसेज देना चाहें, वो मैसेज आप अपनी किसी भी भाषा में यहाँ पर दे सकते हैं। फिर एंटर कर देते यहाँ पर नॉट फाउंड, आप कोई भी ऐसा डेटा आप एंटर करें जो हमारे डेटाबेस में ना हो, तो वहाँ पर नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पर आते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए 16596, तो भी डेटाबेस में नहीं, तो यहाँ पर नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा। पर मान लीजिए कोई ऐसा डेटाबेस हो, वैल्यू आईडी एंटर करें जो हमारे डेटाबेस में हो, जैसे ये 15446, तो आप देखें यहाँ पर हमें डेटा शो कर देगा, मतलब जो आईडी हमारे डेटाबेस में होगी तो उसका डेटा शो कर देगा, नहीं है तो वहां पर नॉट फाउंड लिख के आ जाएगा। मतलब इस तरह से आप एन एरर हटा सकते हो इफ एरर फॉर्मूले की मदद से। तो दोस्तों अगर आप तो हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर, जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ हमारा आज का वीडियो शेयर जरूर करें। और दोस्तों आज के वीडियो से लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो, क्वेरीज हो, डाउट हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। दोस्तों और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखा है उन्हें भी जरूर देख लें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।